सऊदी शहजादे बिन सलमान के विजन 2030 एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका मकसद रेगिस्तान जैसी जमीन में हरियाली लाना है। बता दें कि ये मेगा प्रोजेक्ट पिछले साल लॉन्च किया गया जिसके तहत सऊदी में अब तक 1 मिलियन से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। सऊदी गैजेट की रिपोर्ट के अनुसार रियाद के लिए रॉयल कमीशन ने ग्रीन रियाद परियोजना पर काम शुरू किया जो कि रियाद के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में शुमार है। इस परियोजना का लक्ष्य आने वाले 10 सालों की अवधि के भीतर 7.5 मिलियन पेड़ लगाने का है। ये राजधानी शहर के कुल विकसित क्षेत्र से 2030 तक 1.5% से 9.1% और हरे रंग की प्रति क्षेत्र 1.7 वर्ग मीटर से 9 वर्ग मीटर तक हर क्षेत्र को बढ़ाने की उम्मीद है। वर्ल्ड न्यूज अरेबिया को मिली जानकारी के मुताबिक ग्रीन रियाद परियोजना के पहले चरण के काम रमजान से पहले शुरू हुए और इनमें 180 वर्ग किलोमीटर की लंबाई के साथ राजधानी शहर यानी रियाद की मुख्य धमनियों का वनीकरण शामिल है। इस चरण के तहत किंग सलमान रोड, किंग खालिद रोड, किंग फहद रोड, एयरपोर्ट रोड, मक्का रोड, उत्तरी रिंग रोड और पूर्वी रिंग रोड के साथ कुल 50,000 पेड़ और 1 लाख फुलवारी लगाई जाएगी। इस चरण में रियाद के सभी हिस्सों से उठाए गए 5 पड़ोसी हिस्सों का वनीकरण भी शामिल है जिसमें पूर्व में अल नसीम, अल गदीर, अलीशा, अल नखेल और अल अरेजा के बीच का जिला शामिल है। सिंचाई के लिए जल नेटवर्क भी इस चरण के दौरान लागू किया जाएगा। 3,000 क्यूबिक मीटर तक उपचारित पानी का इस्तेमाल रोजमर्रा के आधार पर किया जाएगा। अपने 3 चरणों के पूरा होने के साथ ग्रीन रियाद परियोजना 541 वर्ग किलोमीटर के बराबर हरे क्षेत्र का प्रतिशत 1.5 से 9 तक बढ़ा देगी। ये कच्चे सीवेज उपचार सुविधाओं से उपचारित पानी को फिर से इस्तेमाल में लाने की सुविधा मुहैया कराएगा जो वर्तमान में घाटियों में बर्बाद हो गए हैं। ये शहर में सिंचाई के लिए पानी के दोहन की दर को मौजूदा 90,000 क्यूबिक मीटर से बढ़ाकर 1 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन करने के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने में योगदान देगा। अरब देश की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।